गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अद्विकाज वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि आप अपनी बेबी के लिए मेथी के पराठे कैसे बना सकते हैं। बेबीज को मेथी के पराठे अच्छे लगते हैं और ये हेल्दी भी होता है। अब आप सोचेंगे कि मैंने आटा थोड़ा ज्यादा लिया है अपनी बेबी की एज के अकॉर्डिंग, तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग भी मेथी के पराठे ही खाएंगे। बट मैं बेबी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आपको कैसे पराठे बनाना है। सबसे पहले मैंने आटा लिया है, अब मैं इसके अंदर मेथी डालूंगी। ये मेथी को मैंने बहुत बारीक काट लिया है, डंठल नहीं दिया है इसके अंदर। इसके बाद इसको आप अच्छे से वॉश करके, बहुत अच्छे से वॉश करिएगा ताकि सारा जो मतलब गंदगी हो ना वो निकल जाए, आटे में डाल दीजिएगा। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा है, वो मैंने डाला है। उसके बाद अजवाइन आप डालिए इसमें, अजवाइन बहुत हेल्दी होता है बेबीज के लिए। उसके बाद 2 टेबलस्पून बेसन डालिए आप, बेसन से कुरकुरापन आएगा ये पराठे में और पराठा टेस्टी भी बहुत लगेगा। उसके बाद स्वाद अनुसार इसमें आप नमक और हल्दी डालिए, जो भी आप खाते हो। बहुत सिंपल सा है ये सारा। डालने के बाद इसको आप अच्छे से गूंथ लीजिए। पराठा आप जब बरो के लिए बनाए ना, तो इसमें आप चिली भी डाल सकते हैं, बट एज बिकॉज मैं ये बेबी के लिए बना रही हूँ तो मैंने चिली को स्किप कर दिया है। मैं बेबी को चिली नहीं देती हूँ, वो नहीं खाती है। बट आप अपने से बरो के लिए पराठे बना रहे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चिली डाल सकते हैं, जो कि मैंने स्किप कर दिया है। और आप अनियन भी डाल सकते हैं, बट मेरे बेबी को कुछ ज्यादा पसंद नहीं है अनियन पराठा में, तो इसलिए मैंने उसको भी स्किप कर दिया। बहुत एक ये सिंपल सा रेसिपी है, बहुत फटाफट में बन जाएगा और आपके बेबी को ये टेस्टी भी लगेगा। अब मैं इस आटे को अच्छे से पानी डाल के गूंथ लेती हूँ, जो कि मैं स्किप कर रही हूँ ताकि ये वीडियो बड़ा ना हो, क्योंकि मेरा इंटेंशन है आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसीलिए मैं शॉर्ट बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप वीडियो को स्किप ना करें। अब ये पराठा मैंने बेल के तैयार कर लिया है, अब ये तवा पे जाने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। मेरा तवा गरम हो चुका है, मैं तवा पे डालूंगी। इसको एक तरफ से बहुत अच्छे से सेक लीजिए, उसके बाद इसमें घी डालिएगा ताकि इसका कच्चापन चला जाए। पराठे को अच्छे से सेकना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसको अच्छे से एक साइड से सेक लीजिए, उसके बाद इसमें मैं घी डालूंगी। आप देख पा रहे हैं मेरा पराठा ना एक साइड से बहुत अच्छे से सिक गया है। अब मैं इसमें घी डालूंगी। देखिए, देखने में ही आपको अच्छा लग रहा होगा और आपका मन भी कर रहा होगा कि मैं भी इसको गर्मा गर्म बना के खाऊं, तो प्लीज आज ही इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। और जब मेरी बेटी खाएगी ना, तो उसका रिएक्शन भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। आई होप आपको मेरा ये रेसिपी बहुत इजी और अच्छा लगा होगा, और आप प्लीज इस सीजन में अपनी बेबी को एक बार मेथी के पराठे बना के जरूर खिलाइए इस इजी तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आपकी बेबी को ये बहुत अच्छे लगेंगे। थैंक यू। ये देखो फेनुग्रीक के पराठे हैं, और आप खा के बताओ कैसा बना है। कैसा बना है मम्मी को दिखाओ, कैसा बना है? अच्छा लग रहा है आपको? मम्मी ने अच्छा पराठा बनाया है, अच्छा बनाया है। सबको गुड नाइट बोल दीजिए।